दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवों को देव कहे जाने वाले महाशिव शंकर के बारे में। कैलाश पर्वत को आज हम भी सनातनी भारतीय लोग शिव का निवास स्थल मानते हैं। शास्त्रों में भी यही लिखा है कि कैलाश पर भगवान शिव का वास है। यह अलग बात है कि अधिकांश सनातनी धर्मवादियों के लिए कैलाश श्रद्धा का प्रतीक है। वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को अद्भुत अलौकिक कैलाश पर्वत एक रहस्यमय जगह लगती है। सिर्फ नासा ही क्यों, कई रूसी वैज्ञानिकों ने भी कैलाश पर्वत पर अपनी रिपोर्ट पेश कर उनकी वैज्ञानिक महत्ता से जुड़े रहस्यों को उजागर किया है। इन सभी रिपोर्टों में माना गया है कि कैलाश पर्वत वास्तव में कई अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। विज्ञान यह दावा तो नहीं करता है कि यहाँ भगवान शिव देखे गए, किंतु यह सभी मानते हैं कि यहाँ पर कई पवित्र शक्तियाँ जरूर काम कर रही हैं। संभवतः यही वजह है कि कैलाश पर्वत से जुड़े दंत कथाएं और रहस्यमय किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को आकर्षित करते आ रहे हैं। तो आइए आज हम फिर से जानते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ और नए रहस्यों के बारे में। दुनिया के सबसे अधिक शक्तिशाली स्थान रूस के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत आकाश और धरती के साथ इस तरह से केंद्र में है जहां पर चारों दिशाएं मिल रही हैं। कुछ रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि यह स्थान एक्सिस मुंडी है और इसी स्थान पर व्यक्ति अलौकिक शक्तियों से आसानी से संपर्क कर सकता है। धरती पर यह स्थान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आखिर आज तक कोई क्यों नहीं छू सका शिखर? दावा किया जाता है कि आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंच सका है। हालांकि 11वीं सदी में तिब्बत के योगी मिलारेपी के शिखर पर पहुंचने का दावा किया जाता है। यह अलग बात है कि इस योगी के पास इस बात के कोई सबूत नहीं थे। यह भी माना जाता है कि वह खुद भी सबूत पेश नहीं करना चाहते थे। इसलिए यह भी एक रहस्य है कि उन्होंने कैलाश के शिखर पर कदम रखा या फिर वह कुछ बताना नहीं चाहते। दावा किया जाता है कि आसमान में सतरंगी प्रकाश कई बार कैलाश पर्वत के ऊपर 7 तरह के प्रकाश आसमान में दिखाए गए हैं। इस पर नासा का मानना है कि यहाँ चुंबकीय बल है और आसमान से मिलकर वह कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण करता है। यह भी कहा जाता है कि कैलाश आखिर ब्रह्मांड का केंद्र है, इसी कारण उसके ऊपर चुंबकीय बल की अद्भुत शक्ति विद्यमान रहती है। झीलों का रहस्य। कैलाश पर्वत पर 2 झीलें हैं और यह दोनों ही रहस्य बनी हुई हैं। आज तक इनका भी रहस्य कोई खोल नहीं पाया है। एक झील साफ और पवित्र जल की है, इसका आकार सूर्य के समान बताया गया है। वहीं दूसरी झील अपवित्र और गंदे जल की है, तो इसका आकार चंद्रमा के समान बताया गया है। ऐसा कैसे हुआ यह कोई भी नहीं जानता। डमरू की आवाजें। कैलाश पर्वत का एक यह रहस्य भी है कि जब कैलाश पर बर्फ पिघलती है तो यहाँ से डमरू के बजने की जैसी आवाज आने लगती है। इसे कई लोगों ने सुना है, लेकिन यह आवाज कहाँ से और कैसे आती है इसका स्रोत नहीं पता चल सका है। हिंदी अंग्रेजी के कई लेखकों ने कैलाश की इस अनूठी खूबी को अपनी किताबों में जाहिर किया है। हालांकि इसका रहस्य का आज तक कोई हल नहीं कर पाया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू।